मनावा आदि मनावा भाई बरसात मक्खियां का मनावा है आदि मट्टी खाता हूँ मट्टी में लौटता हूँ नमस्कार दोस्तों, भेड़ पालन का जो व्यापार है उसमें कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आती हैं और भेड़ पालन कैसे किया जाता है और इस लॉकडाउन में ये भेड़ पालने वाले जो गडरिया बोलते हैं या गुजर बोलते हैं ये अपना जीवन यापन कैसे कर रहे हैं और कैसे अपनी जो जीवन शैली है उसे चला रहे हैं, आज उन्हीं से चर्चा करेंगे। राम राम शाह। राम राम शाह। राम राम शाह। अजय बताओ कौन सो गाँव जो थारो? बौड़ी गुड्डो। बोली गुड्डो। हाँ कत्ता दना सुथे भेड़ पालन को काम कर रहा जो? मैं तो ठेठ टू ही करा हूँ यान कोई चालू रहा। चराओ जो कठे कठे तो नहीं चरा ले रहा हो जो बेड़ान काटा कई गांव में जावा तो कहीं करा तो अजा जानू बड़े अजा कौन सा टाइम सु निकलो जो ते बेड़ चरावा तानी काती में काती का मायने बेड़ चरावा निकलो जो? हाँ अच्छा अच्छा तो बेड़ चरावा के दौरान था ना कोई समस्या भी आवे सारी आवे? अच्छा बताओ बताओ कहीं चेहरी में पानी ना नहीं निमड़ का जाओ खटा पावा जानवर। अच्छा पानी खत्म हो गो बिल्कुल एक तो और चराबा में कोई दिक्कत है? चराबा में सारा पूछ रहा है ही कौन जाओ कहीं करना कोई दरगत गाला खटे तल्ला लिया और कहीं दमाली बात। अच्छा कोई गन पीसा देर कोई टीकर जाट लेर बान काटर गालो जो थे मतलब बस बहुत तो काम हुआ और कहीं। अच्छा 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 तो भेड़ जो पाड़ो जो थे आगे माए नहीं यानी कि कोई समस्या भी आ जाए कोई भेड़ वेड़ मर जाए? हाँ यानी कि बीमारी भी आ जाए जो कोई बोड़ी आवे अगर बेड पालन कोई करबो चाहे तो कहीं खेबो चाहो जो थे मतलब अच्छे व्यापार छे कोने? मैं तो जानो इम तो माड़ो ये काम इम तो नहीं पसंद चाहिए जे। अच्छा नहीं पसंद चाहिए? हां इम तो नहीं पसंद। अहिया बताओ कि भेड़ जो थे ब्याह हो चाहे तू भी को बच्चा ने कत्ता रुपया तक बेच सको जो? ओ दो ढाई हजार रुपया बका दो ढाई हजार को महीना में कत्ता बेच ले जो? महीना में न्यारा ही पांच चार महीना बका है। पांच चार महीना में? पांच चार महीना में मतलब बेचो जो थे? हाँ तो पांच चार महीना में कत्ती इनकम हो जाए थारे कत्ती पैसा हो जाए जी? ठीक ठाक चल जाए काम को पेट भर बड़ो काम और मां को पेट भर बड़ो रोजगार ही चल सके जाए ज्यादा भैया को ना इन पेट पालन में ठीक ठाक जाए जहां का बड़ा ज्यादा भेड़ आ रहा है कि बांक का कुछ ज्यादा बचत होती है? हां बांक का ज्यादा हुआ ज्यादा हो जाएगा अब मां का साथ है तो कोई थोड़ी है थोड़ा के लिए काम चला। हां मतलब यह है कि भाई जितनी कम भेड़ थी के हिसाब से कम मजदूरी बना जाए जी के ज्यादा भेड़ा थी कि ज्यादा बना जाए ज्यादा बना है। कोरोना का मां डाडियां बदरी है बूढ़ा बूढ़ा आदमी बदल गया वो अपना क्यों खराब करो तो बाबा जी रोटी राटी अठे बनावो करो जो के इन्ने बनावा अठे बनावो जो अठे बनावा। देख रे हम देई काई करी ले 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 हां मैं तो दे दे गाल पा दे ओ रियल गोबर निशान लगा दे जो मतलब पा दिया इन दवाई तो बाबा ते खान पीन को क्या व्यवस्था करो जो ये लॉकडाउन बंद का मायने थारी काई व्यवस्था जे? मेरी काई व्यवस्था को नहीं बार
खान पीन का क्या व्यवस्था है ठे जंगल में खटाऊँ आवे बाजार में जाबा लेनी सामान जाबा लेनी व्यवस्था क्या है भूखा मरता है मेरा। अच्छा मतलब कोई थमाश तो दे दे बीस ही पेट पाल लो जो और क्या कोई डाणी पानी में जार कोई किलो आटो लिया वहाँ कोई आधो किलो आटो देवे भी करा भाई एक किलो दे दे भी दो टीएम करा। हाँ मतलब स्थिति बहुत ज्यादा खराब है मतलब खराब हो रही है। अच्छा तो घर आंजा भाई का व्यवस्था है सारी घर मन जापान क्या व्यवस्था सब साधन बंद कर मिल जाए गंजा बदे होनी। हाँ तो मतलब बेटा के साथ में जाओ जो ना तो मतलब यहाँ भी दिक्कत आ रही जाएगी जब हम दिक्कत तो आ रही है रोड पर नहीं बेबा दे रोड पर कौन जा पाती हाँ, मतलब समस्या बहुत हो रही है। अभी हाल जंगल खुला है कौन तार बंदी है ठोड़ कोटे भाई ओड़ा आ गया तो बम और खून निकल पा दे। हाँ मतलब बहुत समस्या है थारे लिए भी। हाँ मेरे लिए बहुत हो रही है। जनता ने कहीं खबर चाहो जो मतलब कोई भी कठे भी मिले तो थोड़ा बहुत सहायता जरूर करे। हाँ आई क्या भाई जनता ने तो भाई कटरे वाला जटे भाई थोड़ा बहुत सहायता कर बोलो। हाँ ताकि राशन मांगना आपको इतने राशन ने पानी ने इतने देना ही पड़ेगा। हाँ भाई जटे भी कोई मिले तो आपकी सहायता जरूर करें आटो पानी जो भी व्यवस्था बने तो जरूर सहायता करनी चाहिए जना यहाँ को काम चल सके जे। बात है साथ पानी आओ जना काई करबो करो जो क्या बचाव करो थे काई कर रहा हूं काई कोट बन नहीं है पर वहां यही कादांग टाइम पास की है बांट के तलांग उबा रहे हैं और क्या है भी जोड़ा मतलब कोई टीकर जाट हो बा के नीचे खड़ा और थे निकाल लो जो बोलो बस समस्या बहुत तगड़ी बहुत तगड़ी है। कोई पन्नी पन्नी लिए हम तो भी मन बोल लो नहीं कोई भी बांट तलांग उबा रहा हूं बहुत दुखी है। अच्छा खानो आनो भी ते खुद ही बनावो करो जो खानो आनो मैं ही बनावा खुद ही बनावा आती बनावा भाई बरसात मक्खियां का बनावा है आदि मट्टी खाता हूं मट्टी में लौटता हूं। हां भाई माटी में ही रहो माटी में आदि माटी मतलब उठा भोजन साथ में आंधी आ जाए तो भी मन तो कुडे भी कोई खाना मणि दे कोई और मणि दे वही चलो भाई सो जाता हूं। अच्छा तो करीबन कत्ती ही भेड़ रांगो जो थे कत्ती ही चराओ जो भेड़ एक है भेड़ तो अपना बंगल 300-350 भेड़ा रांगो जो। हाँ अच्छा तो एक चीज और पूछ बताऊं थे तो पूरा परिवार का सदस्य ही मिलर चराबो करो जिया काको यो बेटो यो ये मिलर ही चलाएंगे। अब वो एक सालो है वो एक भाई है। दो जना हो तीन जना हो रही टाइम पास कर सही है। तो कदे यान की समस्या भी आई जाएगी बेड़ा में कोई महामारी आ जाए एक साथ बहुत सारी बेड़ा मर जाए अवे हम बीमारी आ जाए मरवा लाग जाए जना सभी नहीं मर जाए। अच्छा जना तो बहुत तगड़ो लोचो हो जाता लो थारा बहुत तो है मरवा लाग जाए तो बहुत जल्दी मर खत्म हो जाए। अच्छा ये दूध को कहीं कर वो करो जितनी दूध बेटा दी जाओ दूध तो इतना होता है दूध होता है देखो कोई बच्चा होगा बच्चा चुंगाता हाँ दूध की क्या पीता और खुद पी लियो जो और थोड़ा बहुत बेच दे वो जो ये हो गए। अच्छा मैं यहाँ पूछबो चाहवा था कि वो जो भेड़ पालन को व्यापार छे जो कर रहा जो थे वो कठे तक सही छे कठे तक गलत छे और तो जमी जागीरी हुए चीके तो सही है और एम और तो काय सही है तो जंगल में फिर और कोई सही नहीं है। अच्छा मतलब थोड़ी बहुत मजदूरी बना सके अगर जी का ना जमीन जायदाद हो चारो पानी हो वो तो बना सके हम जानवर सुगा बन हो चारो पूस हो भेड़ो कर लेवे खरीद लेवे तो हम चलो बच जाए और जंगल में फरहा कर बचे हम मोल ले ना खा तो बांट नहीं मिलता है नहीं पानी मिलता है कटे हम का ये है हम कोई हो तो गुजरिया खोल लियो कोई हुआ काई बचता रही रहती है मतलब कुल मिला रहा है कि मेहनत कर लियो मजदूरी कर लियो को बराबर सी बात है अति ज्यादा बचत वालों काम को नहीं अगर खर्चो चलता है।
घर खर्चो अपने इस कोई कनो जूर सकन 5 रुपया उधार लिया भाई है मांगन जानवर कोई बेच हाँ वापरी देशे तने तो भाई बच्चे चलो भाई अंतर आवाज खर्चे में खा जाता तो कोई मदद वाली बात नहीं है। चलो ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद थारो।